My name is HK Mehta, uh, we had made a booking uh, about in 2012 in this particular complex and uh, these people had a uh, major focus on this particular project because it was a commercial building and uh, saying that we will be able to deliver this commercial building in 2015 and they started this project with the, uh, in a big way and at the time 2012 to 2014 there was a, a good progress on the tower. And you can see the condition of the tower that they are mostly skeleton is already ready, but after that, from 2015, they stopped slowly these constructions, and because they had taken already collected more than 95% to 100% payment from the people, and after that, they are uh, absconded completely. And uh, today's the situation is that there is no one to look after this building.

अभी उनकी बेल नहीं हुई है तीनों डायरेक्टर्स जो हैं वो जेल में हैं तिहाड़ जेल में हैं बट इशू इज दैट व्हाट द पब्लिक विल गेट आउट ऑफ दिस द इशू दे पीपल आर इन्जॉइंग स्टिल इन द जेल दे आर नॉट गेटिंग वेरी एट ऑल बिकॉज देयर फैमिली इज नॉट देयर एवरीबडी हैज रन अवे फ्रॉम हेयर एंड नाउ अब सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ही इस एक्शन को शायद अगर अपने हाथ में ले ले तो शायद इस इनके जो भी जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें शायद गवर्नमेंट आपको मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा मैंने हालांकि काफ़ी लेटर कॉरस्पोंडेंस किया है और अपनी रिक्वेस्ट मेल प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब को भेजी है मैं मिस्टर अतुल जेतली जी को मेल भेज चुका हूँ मैंने सी बी आई डायरेक्टर्स को मेल भेजी कि इनका ऑडिट कराया जाए फॉरेंसिक ऑडिट के लिए फोर्स किया जाए गवर्नमेंट इनको ऑडिट को चेक करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करे कि ये पैसा जो उन्होंने सात आठ हज़ार करोड़ रुपया इतने शॉर्ट टाइम के अंदर गेन किया था वेयर दिस मनी हैज़ गॉन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे एंड एटलीस्ट या तो वो पैसे वापस करें लोगों के या फिर वो कमर्शियल सेंटर को बना के दें या किसी नई पार्टी लाइक एन को अलॉट करे गवर्नमेंट और उनको इन्वाइट करके जितना भी प्रोजेक्ट जिस कंडीशन में है उसका कलेक्शन करके दे स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इस कमर्शियल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2014 में पोजीशन देने का वादा किया गया था लेकिन अर्थ ने अनर्थ कर दिया निवेशकों का पैसा लूट लिया लेकिन सात साल हो गए आज तक बायर्स को पजेशन नहीं मिल पाया है